हेलो, मैं हूं राकेश वर्मा और आप देख रहे हो दिस सिविल बॉय। अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दो कि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ईटीएफ सॉफ्टवेयर। तो पहले ईटीएफ सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ ऐसा रहेगा, और यहाँ पे जो हमारा मेन्यू बार है उसमें सभी इनएक्टिव रहेंगे, तो उसको सिर्फ फाइल मेन्यू एक्टिव है। तो पहले फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। न्यू मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद मॉडल इनिशियलाइजेशन और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें इनिशियलाइजेशन ऑप्शंस में यूज सेटिंग्स फ्रॉम अ मॉडल फाइल और यूज बिल्ट इन सेटिंग्स भी है। जो यूज सेटिंग्स में जो पहले डिफाइन किए रहेंगे हमको यूनिट से सब, इस पर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएंगे। और यूज़ बिल्ट इन में अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो इसके लिए यूज़ बिल्ट इन सेटिंग्स में करेंगे। डिस्प्ले यूनिट मैट्रिक्स MKS और मैट्रिक्स SI में रहेंगे। तो हमको मैट्रिक्स SI में क्लिक करना है। फिर स्टील सिलेक्शन डेटाबेस हम इंडियन लेंगे, और स्टील कोड डिजाइन कोड IS 800-2007 और कंक्रीट डिजाइन कोड IS 456-2000 सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद न्यू मॉडल क्विक टेम्पलेट बॉक्स ओपन होगा, जिसमें ग्रिड डायमेंशन, स्टोरी डायमेंशन और एंड एड स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो पहले ग्रिड डायमेंशन में यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग्स है, मींस नंबर ऑफ लाइंस इन एक्स डायरेक्शंस रखना है हमें, कितना लाइंस एक्स डायरेक्शन में रखना है, और नंबर ऑफ लाइंस ग्रिड लाइंस इन वाई डायरेक्शन में कितना ग्रिड लाइंस रखना है उसके लिए, और स्पेसिंग ऑफ एक्स डायरेक्शन और स्पेसिंग दो लाइन के बीच का स्पेसिंग, और कस्टम ग्रिड स्पेसिंग में अगर हमें एक्स डायरेक्शन में बीच में अलग स्पेसिंग करना है तो उसके लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। स्टोरी डायमेंशन में नंबर ऑफ स्टोरीज, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोरीज हम दे सकते हैं, और टिपिकल स्टोरी हाइट के लिए इफ मिडल में कुछ हमें स्टोरी का हाइट चेंज रहेगा, डिफरेंट रहेगा, तो उसके लिए टिपिकल स्टोरी हाइट पे क्लिक करेंगे और बॉटम स्टोरी हाइट यहाँ पे दे सकते हैं। और कस्टम स्टोरी डेटा में हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एड स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स है जो क्विक और ड्रॉ बिल्डिंग के लिए यूज होता है, हम यहाँ पे ग्रिड ओनली यूज करेंगे। ग्रिड ओनली पे सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे दो विंडो ओपन होंगे, एक प्लेन व्यू और 3D व्यू। प्लेन व्यू अभी इनएक्टिव रहेगा और 3D व्यू प्लेन व्यू एक्टिव रहेगा और 3D व्यू इनएक्टिव रहेगा। यहाँ पे फाइल मेन्यू में हम न्यू मॉडल और ओपन और सेव ये सब कर सकते हैं। एडिट में मतलब कोई हमें नहीं काम रहेगा उसको अंडो भी कर सकते हैं, रीडो और कोई सेक्शन को कट एक्सेट्रा कर सकते हैं। व्यू में हम इसको डिफरेंट टाइप से व्यू कर सकते हैं, जो प्लान है 3D एलिवेशन, एलिवेशन प्लान एक्सेट्रा को, और सेलेक्ट में हम किसी बीम स्लैब या कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए और डिसलेक्ट करने के लिए और ड्रॉ करने के लिए बीम कॉलम स्लैब ग्रिड एक्सेट्रा ड्रॉ करने के लिए। फिर असाइन में हम जैसे लोड्स फ्रेम जॉइंट एक्सेट्रा जो असाइन करते हैं उसके लिए। फिर एनालाइज में यहाँ पे हम एनालाइज करने के लिए जो हमने किया, और डिस्प्ले में मतलब अनडिफॉर्म शेप डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट शेयर फोर्स एक्सेट्रा। और फिर डिजाइन में स्टील डिजाइन, कंक्रीट डिजाइन, कंपोजिट डिजाइन एक्सेट्रा, और ऑप्शंस विंडोज अरेंजिंग और ग्राफिकल यूनिट्स रिस्पॉन्स स्टोरी एक्सेट्रा। फिर हेल्प में जो हम न्यू अपडेट्स और इसमें और ई टैब्स के मैनुअल रहेंगे, और जो नए अपडेट आएंगे वो हम हेल्प मेन्यू में देख सकते हैं। फिर मॉडल एक्सप्लोरर में ये मॉडल में हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर लेआउट्स और जो हमने असाइन किए रहेंगे वो हम मॉडल में देख सकते हैं यहाँ पे। और डिस्प्ले में हम उसके यूनिट से सब जो हमने लोड से सब असाइन किए हैं जॉइंट सब
हम अपने व्यू को इधर डिस्प्ले कर सकते हैं, और यहाँ पे टेबल्स जो हमने कंक्रीट डिज़ाइन या स्टील डिज़ाइन जो भी किए रहेंगे इसमें हम देख सकते हैं, एनालाइज करने के बाद उसका क्या आएगा। और रिपोर्ट्स में यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बनने के बाद जो हम बनाते हैं उसका एक रिपोर्ट्स रेडी होता है, तो वो यहाँ पे हम रिपोर्ट्स में व्यू कर सकते हैं। फिर यहाँ पे राइट में कॉर्नर पे नीचे यहाँ पे वन स्टोरी ग्लोबल और यूनिट्स है। वन स्टोरी मीन्स हमें कोई एक पूरे बिल्डिंग में कोई एक स्टोरी पे एडिट करना रहेगा उसके लिए, फिर ऑल स्टोरी पूरे स्टोरी पे एडिट करने के लिए, और सिमिलर स्टोरी मीन्स लार्ज नंबर लार्ज स्ट्रक्चर्स में जो सिमिलर स्टोरी रहेंगे उस पे। नेक्स्ट ये जो टूल्स है शॉर्टकट टूल्स, ये टूल बार है यहाँ पे शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं हम इसका। और यहाँ पे जब भी हम एनालाइज करेंगे तो ये विंडो लॉक हो जाएगा, तो उसको अनलॉक करने के लिए उस पे लॉक पे क्लिक करेंगे अनलॉक हो जाएगा। तो पेन हम नेविगेट करने के लिए यूज़ करेंगे प्लेन में, और यहाँ पे प्लेन व्यू है तो हम यहाँ पे अपने इसका प्लान व्यू देख सकते हैं, हर स्टोरी पे हर स्टोरी का प्लान व्यू देख सकते हैं। हम किसी एक स्टोरी पे क्लिक करके ओके करेंगे तो इसका प्लान देख सकते हैं। सिमिलरली हम अब एलिवेशन पे क्लिक करेंगे तो हम एलिवेशन यहाँ पे ए बी सी जो एक्स डायरेक्शन में है और 1 2 3 वाई डायरेक्शन में, तो हम उसका एलिवेशन देख सकते हैं यहाँ पे। तो किसी एक पे क्लिक करेंगे तो जैसे मैं अभी यहाँ पे बी पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो बी का एलिवेशन यहाँ पे देख सकता हूँ मैं। नेक्स्ट टू पे क्लिक किया तो यहाँ पे टू का एलिवेशन आ गया उससे। तो यहाँ पे ये शॉर्टकट कीज है जैसे बीम्स कॉलम एक्सेट्रा। ये सब ड्रॉ करने के लिए तो यहाँ पे हमारा वीडियो एंड होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और पिछले वीडियो की लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा तो उसको भी जाके देख लीजिए। थैंक यू।